ये देखो आज क्या हो गया। सुबह के बज गए 6:15 और नजारा कुछ इस तरीके का है। तो करते हैं फरीदाबाद को ओके टाटा बाय बाय और निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। यार सुबह सुबह सूरज निकलती अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। तो चलते हैं अपने सफर की ओर और लेते हैं रास्तों के मजे। मगर थोड़ा सा आगे बढ़े और अपना हो गया टायर पंचर। पर चलो दिक्कत से देर भली, अपना टायर पंचर करा के फिर हम निकल पड़े अपने रास्तों पर। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए दिल्ली मेरठ टोल पे। मतलब ये हाईवे काफी बढ़िया बना हुआ है। पहले के टाइम पे मेरठ पहुंचने में आराम से 2 से 2.5 घंटे लग जाया करते थे। ऊपर से उस रूट पे ट्रैफिक होता था। अब मेरठ पहुंचने में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 40 to 45 मिनट लगते हैं। और रोड कंडीशन तो खैर बहुत ही अच्छी है, इसलिए वक्त का पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद हमने लिया अपना पहला ब्रेक, जहां हम अपना ब्रेकफास्ट करने वाले थे। और भूख लग रही थी जोरों से, सिर्फ मेरे को ही नहीं सभी को। और एनर्जी लेने के बाद गाड़ी हमारी दोबारा रनवे पर थी और डायरेक्शन था टुवर्ड्स उत्तराखंड।
तो अब हम पहुंच गए हैं विकास नगर, जिसे हम एंट्री गेट भी कह सकते हैं उत्तराखंड का। और बात करें यहाँ तक कि रास्ते का, तो रास्ते काफ़ी अच्छे थे। कुछ कुछ जगह जहाँ शहरों के अंदर से हमें आना पड़ता था, वहाँ ट्रैफिक था, जिस कारण अपनी स्पीड काफ़ी कम हो जाती थी। उसके अलावा रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, और मतलब रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छे हैं, रास्ते बहुत अच्छे ही हैं, वो दिखे रहे हैं आप। और यहाँ से तो रास्ते बताते हैं और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मैं तो इस साइड, इस रूट पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और सामने का नज़ारा तो देखने में बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आगे के रास्ते देखते कैसे हैं। यार सामने का नज़ारा देखो, मतलब मज़ा आ गया। सामने एक सीधी रोड जा रही है जिसका अभी सीधा एंड नहीं दिख रहा है, और सामने से स्ट्रेट पहाड़ शुरू हो जा रहे हैं। मतलब काफ़ी वाइड वैली है, और अभी इसी रास्ते से होके हमें इन पहाड़ों पे चढ़ना है। मतलब कि यार अभी तक के रास्ते का वन ऑफ द बेस्ट व्यू है। मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी ऐसी ग्रीनरी है तो मतलब मानसून के टाइम पे तो क्या ही लगता होगा ये सीन। मतलब बहुत बढ़िया, ऑसम। ये देखो आज क्या हो गया, अच्छा खासा साफ गाड़ी लेके आए थे, एक ने पीछे से मार दिया और एक जाके आगे से लग गई। चलो इंश्योरेंस है, करा लेंगे। फिलहाल अभी हमने कालसी क्रॉस कराया, और ये रोज फिलहाल हमने अभी कालसी क्रॉस कराया, और ये रोड सीधा जा रहा है, ये रोड सीधा जा रहा है चक्राता की ओर। अरे यार बड़ा दुख हो रहा है देख के। पहाड़ों का ट्रैक हमारा शुरू हो गया है, रोड है बहुत अच्छी, खाली रोडें हैं, क्राउड है नहीं ज़्यादा। एक्चुअल में ये लोकेशन मुझे इसलिए पसंद आती है कि यहाँ पे मतलब क्राउड ज़्यादा रहता नहीं है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी पहाड़ों की ड्राइव और प्लेन्स की ड्राइव में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। यहाँ पे सीन क्या हो जाता है कि लोग खाली रोडें देख के ना अपनी स्पीड में चलाने लगते हैं गाड़ियाँ। अब जैसे टर्न्स आ रहे हैं तो उन्हें लगता है रोड खाली है, वो टर्न्स में भी उसी स्पीड में मोड़ते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आगे गाड़ी आ रही है, क्या है, कुछ है नहीं है, नहीं पता। कई बार क्या होता है कि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो जाती है, रोड आगे से कट जाती है, और हमें नहीं पता होता कि आगे रोड कटी हुई है, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब भी पहाड़ों में गाड़ी चलाएं, आराम से चलाएं, जल्दबाजी किस बात की। और दूसरी चीज़, अपनी लेन में चलें, खाली रोड दिख भी रही है तब भी अपनी लेन में ही चलें, और हर मोड़ पे अपना हॉर्न देते रहें। आप ट्रैफिक देखिए रोड पे कितना है, यही रीजन है यहाँ आने का। सामने नजारे देखो यार, सनसेट का टाइम हो गया है, और क्या कलर्स आ रहे हैं स्काई में। ऊपर क्या नीला आसमान दिख रहा है, और नीचे आते आते ऑरेंज का शेड, क्योंकि सनसेट का टाइम है। और कुछ कुछ बीच से सन की रेज आ रही है पेड़ों के बीच से, तो बड़ी अच्छी लग रही है। बस थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, और शायद तब तक हम अपने होटल भी पहुंच जाए।
तो हम पहुंच गए अपने होम स्टे चक्राता। लगभग हमें यहाँ पहुंचने में 6:30 का वक्त हो गया था, तो अच्छा खासा अंधेरा हो गया इधर, और सामने काफी वाइड वैली है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि काफी अंधेरा हो गया है। और उधर ऊपर पहाड़ी के टॉप पे अपना चक्राता का मार्केट है, जिसे सदर बाजार कहा जाता है। बाकी कल सुबह मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, अभी तो अंधेरा हो गया है। गुड मॉर्निंग, रात को आने में काफ़ी देर हो गई थी, तो अभी देखिए आप नज़ारे। ये एक होम स्टे है जो चक्राता से लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। जब आप चक्राता की तरफ जाएंगे तो मेन रोड से ही नीचे की तरफ रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, जो कि 1 किलोमीटर नीचे उतर के आता है। और काफ़ी वाइड वैली है, और सामने की तरफ ऊपर जो आपको कुछ मकान दिखाई दे रहे होंगे वो अपना चक्राता है मेन मार्केट, जिसे सदर बाजार कहा जाता है। और यहाँ से जाने का भी उसका बाय रोड रास्ता तो है ही है, साथ के साथ आप पैदल भी ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जा सकते हैं। तो आगे की जर्नी अब हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।